शिव ठाकरे के फैंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुश खबरी है। देखिए, शिव ठाकरे को लेकर बहुत दिनों से अपडेट आ रहा था, अब ऐसी खबरें थी कि वो रोडीज़ में हमें नज़र आने वाले हैं, रोडीज़ 19 में, और अब वो जल्द ही शूटिंग शुरू कर देंगे। और ये क्या पूरा मामला है, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई ट्विटर पर, ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि अब शिव ठाकरे जो है वो रोडीज़ के सीज़न में अब नज़र आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, खासकर शिव फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही खुशखबरी भी आप कह सकते हो इसको। लेकिन क्या है पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शिव ठाकरे अभी फ़िलहाल खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए शूट कर रहे हैं और वो केप टाउन में इस समय मौजूद हैं। लेकिन अब खबरें कुछ ऐसी भी थी कि शिव ठाकरे एलिमिनेट हो गए हैं शो से, वो इविक्ट हो गए हैं खतरों के खिलाड़ी 13 से। तो मैं आपको इस पर भी एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ कि शिव ठाकरे इविक्ट एलिमिनेट नहीं हुए हैं खतरों के खिलाड़ी से। और जितने भी र्यूमर्स आ रहे थे उनके कि वो इविक्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी भी शो में हैं और वो अभी भी शो में स्टंट्स कर रहे हैं, तो अभी वो शो से एलिमिनेट या इविक्ट नहीं हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहली खबर जो शिव ठाकरे फैंस के लिए थी, जिससे शिव ठाकरे के फैंस बहुत खुश हो जाने वाले हैं, वो तो ये है कि शिव ठाकरे अभी भी खतरों में मौजूद हैं और अभी भी वो स्टंट्स कर रहे हैं वहाँ पर। अब जो एक और अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है, और इस बात पर अब ऑलमोस्ट पुष्टि हो गई है, देखिए कि खतरों के खिलाड़ी के बाद, इस जो ये खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग चल रही है, इसके बाद जब ये शूटिंग ख़त्म हो जाएगी और खिलाड़ी वापस आ जाएंगे इंडिया, उसके बाद शिव जो हैं वो गैंग लीडर, एज अ गैंग लीडर रोडीज़ को ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, और शिव ठाकरे एज अ गैंग लीडर ज्वाइन करेंगे रोडीज़ के ऑनगोइंग सीज़न को। ये बहुत बड़ी बात है इसलिए भी क्योंकि शिव ने अपनी जर्नी शुरुआत की थी रोडीज़ से ही। उन्होंने अपनी जो जर्नी है, जो ये करियर है उनकी, उसकी शुरुआत उन्होंने रोडीज़ से ही की थी। रोडीज़ में वो एक गैंग का हिस्सा थे, एंड आई गेस जहाँ तक मुझे पता है वो रणविजय की गैंग का ही हिस्सा थे। उसके बाद शिव ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक वो सक्सेसफुल होते गए और कामयाबी की बुलंदियाँ वो चढ़ते गए, छूते गए। अब आलम ऐसा है कि वो एज अ गैंग लीडर, देखिए ऐसे पहले ये सेम चीज़ वरुण सूद के साथ भी हो चुकी है। वरुण भी एज अ कंटेस्टेंट थे, फिर उसके बाद एज अ गैंग लीडर वरुण ने पार्टिसिपेट किया शो में और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए वरुण सूद एज अ गैंग लीडर भी, अगर देखें हम रोडीज़ पर। और अब वरुण सूद के बाद अच्छा, प्रिंस नरूला के साथ भी यही हुआ। प्रिंस भी एक कंटेस्टेंट थे रोडीज़ में और रणविजय की ही गैंग में थे वो भी, और वो भी एज अ गैंग लीडर उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो अब जो है तीसरा नाम आफ्टर वरुण एंड प्रिंस, अब इसमें तीसरा नाम जुड़ गया है शिव ठाकरे का। शिव ठाकरे एज अ गैंग लीडर ज्वाइन करने वाले हैं रोडीज़ 19 को। तो देखिए, अब फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं ये सुनने के बाद। और आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स। और बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।